गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास रे हम डिस्कस करथिलु मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर प्रथम प्रॉपर्टी टेम्परेचर विषय हम डिस्कशन करथिलु, डिग्री सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल रो कन्वर्शन विषय पढ़ीथिलु। आज हम पढ़िबा वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, एनर्जी, वेट, डेंसिटी, ई सब विषय हम आज डिटेल पढ़िबा। तांकर यूनिट कौन, आमे ताको प्रॉब्लम रे यूनिट कन्वर्शन भी करी परिबु, तो तरो डिटेल स्टडी आज हमें करिबा। फर्स्ट होची व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज प्रेशर, देन व्हाट इज फोर्स। फोर्स रो यूनिट एसआई यूनिट जो टेबल प्रीवियस क्लास रे दिया हितला सेति में देखि थबो, फोर्स रो एसआई यूनिट होची न्यूटन। न्यूटन कोन, द फोर्स नीडेड टू होल्ड 1000 ग्राम ऑफ मास अगेंस्ट ग्राविटी। फोर्स नीडेड टू होल्ड 1000 ग्राम ऑफ मास, 1000 ग्राम मास होल्ड करिया पई जति फोर्स दरकार होए ताको कोन कहा जाए, 1 न्यूटन फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। जो मैटर रो जो वस्तु रो मास किछि वेट बा किछि वजन थिबा सहित तार वेलोसिटी थाए, तार किछि स्पीड थाए, बा तार किछि वेलोसिटी कोन मास बाय स्पीड, किछि जो वस्तु रो मास थाए ताको कहै जे वेलोसिटी। मीटर पर सेकंड होछि वेलोसिटी रो यूनिट, तुमे जानथिबो। तेनो फोर्स का कहिबा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वेलोसिटी बाय टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मीन्स वन ऑब्जेक्ट और वन मैटर, वन थिंग व्हिच हैव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मास इनटू एक्सीलरेशन, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू एट लिखा है एक्सीलरेशन को हम कौन लिख पार, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम, दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी बाय टाइम। एठी तबरे हमें एसआई यूनिट सब पुट करलु, मास रो एसआई यूनिट कौन ना केजी, वेलोसिटी रो एसआई यूनिट कौन मीटर पर सेकेंड, टाइम रो एसआई यूनिट हूँ सेकेंड। ताको पुट करके हमें वैल्यू कौन का बाहर करलु, फोर्स रो यूनिट हूँ मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हूँ इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन मीन्स 1 के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तुम्हें भल भाव नोट करेंगे, गोटा सब प्रॉब्लम मानक यूनिट कन्वर्सेशन बहुत जरूरी, तुम्हें आगे जानवा दरकार, आगे जाइए तुम्हें प्रॉब्लम सब कर सल्व कर सब यूनिट कन्वर्सेशन थोड़ा दरकार। ऐसा यूनिट को चेंज करने पड़पे सेमती। आउ गोटे मेजरेबल प्रॉपर्टी हूँ प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तार एसआई यूनिट होची पास्कल। पास्कल होची फोर्स रो एसआई यूनिट। इट इज द 1 पास्कल कहला माने कहा को बुझा जाए, इट इज द प्रेशर एक्जर्टेड व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया उपरे जति की फोर्स आमे अप्लाय कर था, जैसे कि एक्जर्ट कर था फोर्स, दैट इज कॉल्ड 1 पास्कल फोर्स। एट तुम्हें प्रेशर रो पुणी यूनिट डिराइव कराई, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स रो हमें ऊपर कौन कर लो, फोर्स इज इक्वल टू के जी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, सेमती हमें फोर्स रो यूनिट एठी पुट करलु, डिवाइडेड बाय एरिया रो यूनिट होची मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू के जी मीटर पर स्क्वायर सेकेंड इज कॉल्ड न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आहरी बहुत गुड़े प्रेशर यूनिट आम से प्रीवियस क्लास रे प्रेशर रो टेबल आम जो करूँ से देखूँ, टर, बार, एटीएम इज समस्त हो प्रेशर रो यूनिट। सेमती ये गोटे कन्वर्सन अच्छी, 1 एटीएम इज इक्वल टू डेस पास्कल, 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.325 पास्कल, नोट डाउन कर। नेक्स्ट व्हाट इज एनर्जी, व्हाट इज मास। एनर्जी रो एसआई यूनिट होची जूल।
वन जूल बोली क्या कह ना वन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुश अगेंस्ट ए फोर्स ऑफ वन न्यूटन थ्रो वन मीटर वन न्यूटन फोर्स रो हेल्प रे वन मीटर डिस्टेंस गोटे ऑब्जेक्ट को जदि आम नहीं पारा तेल कहो से एनर्जी आम खर्च कलु दैट इज कॉल्ड वन जूल देन व्हाट इज मास मास इज द अमाउंट आम ये कौन पढ़ु मास और वेट रो डिफरेंस मास एंड वेट आर नॉट सेम थिंग दे आर डिफरेंट इट इज द अमाउंट मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस ये जो चित्र देख पार ये सब्सटेंस जो गोटे मैटर नई कि गोटे ऑब्जेक्ट नई गोटे हूँ ह्यूमन बीइंग अच्छी तार मास के ऑलवेज 50, 60, 70 के जी पारे इट इज फिक्सड ऑलवेज फिक्सड एटा को कौन डिपेंड कर किलोग्राम ग्राम ये गोटे सब्सटेंस मास को मेजर करा जाए व्हाट इज वेट वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जेकोसी गोटे मैटर उपर वस्तु जदि जी फोर्स एक्सर्ट कराई ग्राविटी तेणु वेट रो फॉर्मूला होची मास इनटू ग्राविटेशन मास इनटू ग्राविटेशन इज कॉल्ड वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी ग्राविटेशन सब प्राय कांस्टेंट थाए व्हिच इज ग्राविटेशन ग्राविटेशनल फोर्स जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी मास सब कांस्टेंट थाए किंतु वेट कौन करे ना ये लिखाला कौन मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट बट वेट वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू ग्राविटी अर्थ रो सबु जगह ग्राविटी बा ग्राविटेशनल फोर्स सेम न थाए वेरी करी थाए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये चित्र देख पार्थिव वेट यदि ए गर्ल रो वेट 56 केजी हुए तो वेट अराउंड अर्थ रे रही 560 न्यूटन सेमती मून को चली गला मैंने तार ग्राविटी अलग होगा सेठी तार 90 न्यूटन हो गला सेमती वेट कौन करे भेरी करे किंतु मास के भेरी करे ना सेमती आउ गोटे मेजर मेजरेबल प्रॉपर्टी होची वॉल्यूम वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ रो क्यूब वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब ऑफ लेंथ तेना यूनिट कौन हो लेंथ रो जो यूनिट मीटर हुए तेनाली वॉल्यूम रो यूनिट हो मीटर क्यूब एटा एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड मीटर क्यूब अदर यूनिट्स रही सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब सब रही पाए सेमती तो यही जो चले जाइए बॉक्स रे प्रॉब्लम पाई बहुत यूजफुल नोट डाउन करने को वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आम जानूँ व्हिच इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर वन मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर सेमती ये कहो जी समस्त क्यूब करदे समस्त वन मीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब 10 डेसीमीटर क्यूब करदे आम यही कनक्लूजन पाई था वन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब ये गोटे आ गए बक्स लिखाई वन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लिटर 1 लिटर कहला मैंने 1 डेसीमीटर क्यूब को बुझा जाए नेक्स्ट है डेनसीटी व्हाट इज डेनसीटी तुम्हें जानको डेनसीटी जेकोसी सब्सटेंस डेनसीटी कहला मैंने मास बाय वॉल्यूम मास पर वॉल्यूम मास जेकोसी ऑब्जेक्ट रो मास आम जानपर बाय केजी वेट करके आम तार मास जानपरबू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम केते वॉल्यूम से ऑक्युपाई करछि इट इज कॉल्ड डेनसीटी यूनिट कौन हो डेनसीटी रो केजी पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब ठीक अच्छे एक नोट डाउन कर प्रॉब्लम पर बहुत यूजफुल प्रॉब्लम सॉल्व कला बेले कन्वर्सेशन यूनिट रो बहुत इम्पोर्टेंट ये असाइनमेंट तुम कर ए जग कंटेन्स 2 लिटर ऑफ मिल्क गोटे जग्रे 2 लिटर मिल्क रही कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब 2 लिटर को मीटर क्यूब रे कन्वर्ट कर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन धर जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ग्राम रही कन्वर्ट इन इंटू केजी ग्राम रे दिया है केजी को कन्वर्ट कर सेमती थर्ड क्वेश्चन अच्छी 1 ml इज इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब 1 ml इज इक्वल टू डेसीलीटर 1 mg इज इक्वल टू डेस किलोग्राम सॉल्व करके मतलब व्हाट्सअप करके थैंक यू हैप्पी लर्निंग।